कुआडेगला श्रीमंदिर रत्नभंडार चाबी एने आरंभ होइछि सरकारी तनाघना चाबी गायब घटनार विचार विभाग तदंत निर्देश देइछन्ति मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हाइकोर्टर जने अवसरप्राप्त विचारपति तीन मास भितर तदंत रिपोर्ट देबे एपटे विरोधी कहिछन्ति केवल घटना उपर नजर हटाइबाकु सरकार तदंत निर्देश देइछन्ति सेपटे दैतापति निजोग एहि घटनार गजपति आड़क निशाना साधिछन्ति आमर आज फेसबुक प्रश्न होउछि न्यायिक तदंत रत्नभंडार चाबी रहस्य उन्मोचन करिपारिबो कि न्यायिक तदंत रत्नभंडार चाबी रहस्य उन्मोचन करिपारिबो कि जार उत्तर आलोचनार शेषरे प्रकाश करिबे चाबी रहस्य एहुचि आमर आजिर वितर्कर विषय जे माने आम सहित उपस्थित अछन्ति सेमानक सहित परिचित करै दउछि आम सहित उपस्थित अछन्ति कांग्रेस मुखपात्र मनोज महापात्र आम सहित उपस्थित अछन्ति बीजेपी नेता प्रोफेसर पूर्णचंद्र मल्लिक आम सहित उपस्थित अछन्ति बीजेडी मुखपात्र सुलोचना दास आपण समस्तंकु स्वागत करुछु प्रथमे प्रोफेसर मल्लिक आपणठु आरंभ करै चाहिबी महाप्रभुंक रत्नभंडार चाबी न मिलिबा विभिन्न आडु सरकारक उपर चाप पडिबा एवं सरकार विचार विभागीय तदंत निर्देश देबा ए पूरा घटना कोन सूचौछि ये गोटे सरकार निष्क्रियता को सूचाऊँच कारण जगन्नाथ को नहीं जहाँ जहाँ सब घटी जाइए भावुच बोध सरकार से विषय गुरुत्व देकर चिंता करूना कारण श्रीजगन्नाथ होशार ओडियांकर राष्ट्रीय देवता एवं तांकर संवेदनशीलता सहित ये प्रश्नटी जड़ित तेणु वर्तमान कोटी कोटी हिंदू एवं 4.5 कोटी ओडिया ये प्रश्न उठाऊँचे ये घटना एप्रिल 4 तारीख में जिते मान्यवर हाइकोर्ट निर्देश क्रमे खोल जावाई भंडार घर कथा कहगला रत्न भंडार से उठला से चाबी नोल जाहा जहा घटना घटला बाहर से सर्च लाइट पटे भितर देखिले खबर कागज सब बाहर विशद भाव से आलोचना करागला जे चाबी हजिबा कथा से दिन उठी कि दिन ठार आज पर्यंत दीर्घ 2 मास सरकार किसी कार्यानुष्ठान नेले नहीं सरकार तक भाई बोधे एमती चुपचाप रही जीवे किंतु से कथा पुणी थे जो गणमाध्यम आसला पुणी पब्लिक सचेतन हेले पुणी से कथा उठला पब्लिक रे आलोचना हेला पुणी एमती गोटे निष्पत्ति नाप सरकार बाध्य किंतु यही जो न्यायिक तदंत न्यायिक तदंत आम देखु जो वर्तमान सुधा नवीन बाबू अमल में 22टा न्यायिक तदंत बसला एवं कौनसी तदंत गोटे तार लॉजिकल एंड रे पहुंची पारने जो गोटे जोड़ी लॉजिकल एंड रे पहुंचुची तार मध्य सठिक समय तथ्य असेंबली आसुनी एमती जो आसूसी जमीक कलिंग गणहत्या कथा कहगला से क्या दोषी तेनाली आम आशा करो कथी कहुची से कथे जहा जहा सरकार कथा करना प्रथमतः गोटे एफआईआर दबा कथा थी से दिन एप्रिल 4 तारीख गोटे एफआईआर दबा कथा सेटा एपर्यंत मध्य हला नै 2 मास बीतीगला दुई रे जो माने ये घटना सहित संपृक्त सेमानक उपरे यथाशीघ्र संभव कार्यानुष्ठान नै सेमानक सेठु अंतर करबा आवश्यक पड़ी रही कारण सेमाने तथ्य को एपट सेपट कर दबार मध्य संभावना ठीक अछि मा आसी मनोज बाबू ए कथा जो हला बहुत विलंब हला एवं ये न्यायिक तदंत मध्य विलंब हबो खाली लोकमानकर दृष्टि अन्य आडू को टाणीबा पई ये होछि गोटे उद्यम मनोज बाबू साधारण अनेक प्रश्न आसुच्छ एप्रिल 4 तारीख दिन जिते स्थित जांच हाईकोर्ट निर्देश टीम जाता से चाबी ना जो कथा कहते प्रोफेसर मल्लिक सर्च लाइट बाहर देखिले कौन अच्छी स्थित अच्छी 2 मास जिते विभिन्न आड़ चाप पड़ा से सरकार विचार विभाग तदंत निर्देश देखते प्रश्न उठू क्या दायी कर श्रीमंदिर दायित्व किए अच्छा सरकार अच्छा 1954 मसीह सरकार दायित्व तेणु दोषी होंगे सरकार अच्छा कथी आज नुआ है ब्रह्म परिवर्तन बेले समान कथा देखुले आ पूर्व बहु नजर अच्छी श्रीमंदिर रीतनीति दुदिन बंद हो ठाकुर भोग पाउ ना आज एक चाबी हजि चाबी हजिला विचार विभाग तदंत निर्देश देते 2 मास दुईमास विचार विभाग तदंत निर्देश दिखाते से कार मन ना कि विचार विभाग तदंत तो धरवन कल्प्रिट किए से इमिडियेट क्रिमिनाल केस लज कर आवश्यकता थी जदि करना सरकार आज आसंता का क्रिमिनाल केस आगे लज करतु जी दोषी की सी धरतु विचार विभाग तदंत ता बाटे चलू से कार किसी मना ना किंतु जे दोषी तुरंत धरिया सरकार एवं कथा सर, उ, उ,
ओडिशावासीको पाखरे के उत्तर दे सरकार उत्तर दे एटी होची समस्त भावाबेग सहित जडित जगन्नाथ हमर आराध्य देवता तेणुकर ए भावाबेग सहित सरकार खेलतुनि अतीतरे जहा खेल खेली सारछन तुरंत क्रिमिनल केस लॉन्च करके जे क्रिमिनल ताकू धरंतु एवं चाबी कोठी अछि ठीक अछि सुलोचन मैडम जो प्रश्न बर्तन आसुछि जे एथि पई सरकार को काहे की दाय करानो जीव देखन्तु उत्तरदायित्व नबा पई सरकार केबे अराजी मध्य होइनांती कि ना मध्य कहिनांती मु आपन को गोटे कथा कहि रखिबाकू चाहौछि एटा गोटे धार्मिक भावना सहित जड़ित संवेदनशील प्रसंग आकु प्रथम कथा होची राजनीति रु ऊर्धरे उठिकी चिंता करबा दरकार आकु राजनीति भितर को न अणा जाउ मु समस्त को अनुरोध करबी एठी मो कहबा कथा एतले 2 मास पर्यंत कोन को 2 मास पर्यंत जेतले समस्त चुपचाप रहिले मते टिके हां ना सेही चुप नहि मु आपन को गोटे कथा कहूची जेते बेले खोलिबा कथा हैला आपन देखंतु को भली भाबरे प्रोटेस्ट होउतला लोकंकर अनेक समय आज जदि न दिया जाय थामता ताले मध्य अनेक परिसर रु आसी थामता जे सरकार चुप हेकि बसले जो कथा आपन कहउचंती जदि ताला भांगीबा कथा हेथांता ताहल मध्य काहे की भंगा गला बोली मध्य सरकार दाई हेथांते परवर्ती पर्याय रे जे काहे की एबे आसुचि जे 78 रे जेते बेले गोटे आकलन करा गला जे भितर रत्नभंडार रे कोन कोन रहिछि तार तालिका प्रस्तुत हेला गोटे बुकलेट मध्य प्रस्तुत हेला ता परवर्ती पर्याय रे आउ जहा थिला हमर सत्यलिपि रे जे प्रति 3 वर्ष रे थरे जांच हबो से प्रति 3 वर्ष रे थरे कोनसी गवर्नमेंट विभिन्न समय रे विभिन्न गवर्नमेंट आसीचंती केही मध्य किंतु साधारण तो जो तीनोटी चाबी कथा कहा जाए से तीनोटी चाबी गोटे गजपति महाराज पाखरे थाए गोटे भंडार मेकअप पाखर थाए गोटे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पाखर थाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर जो जिला ट्रेजरी रही से चाबी सेठी रुहे सेठी जाए जहां कहा जाए किंतु आपण देखंतु सेटा नाही सेटा नाही जे ताकु लुचा जाई से कथा नु 4/4/2018 जो दिन ए कथा हला सेई दिन ही इवनिंग रे बसी चंती मीटिंग परिचालन कमिटी रो ए कथा मध्य कुहा जाई छी आज गणमाध्यम कथा आपण कहउछन गणमाध्यम रे 2 मास पर्यंत सरकार करथले नै 2 मास पर्यंत ए सरकार चुप है कि जमा बसी नाती भूल कथा आपण कहउछन सरकार मध्य सेति कि तांकर उद्वेग रही छी सेति कि चिंतित जे चाबीटा गला कुआडे ट्रेजरी रे जो चाबी रोहे जोठी आसी छी नै शंकराचार्य उद्वेग प्रकाश करले जेते बले विरोध प्रदर्शन हला जेते बले विरोधी सरकार को आक्रमण कले ठीक तार परदिन सरकार दोछंती न्यायिक संघ निर्देश दोछंती नै आपन भूल कथा कहउछंती ए कथा अलगा केही मध्ये जाननतले सेठी जो मीटिंग हेतला 4/4/18 रे समस्त थिले सेठी गजपति महाराज मध्ये थिले सेठी परिचालन कमिटी रो समस्त सदस्य मध्ये थिले एडमिनिस्ट्रेशन मध्ये थिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थिला मंदिर प्रशासक मध्ये थिले तेनु सेठी जेते बले ए कथा कुहा जाईतिला ए कथा ये जो पेपर आपन देखिबे से दिन रो जो माइनर्स गुडा को जो मीटिंग रा आसीला ताकू बाहर को आसीला बोली गणमाध्यम जानिला कि नचेत ए कथा 4/4 रे ही हेइतिला से कथा जणै दिया जाइतिला जे चाबी मिलुनी तेनो चाबी मिलुनी कोठी रहिची विभिन्न ट्रेजरी रे जो अनेक गुडे चाबी थिला को चाबी ताकर किबा को चाबी मन ताकू नहीं के गोटे मन जदियो इंटरनल तदंत ताकू को आजिबो ने खोजा खोजी आउ जो कोई भाव रे रखा जाए तदंत निर्देश दे आइछि विचार विभाग तदंत निर्देश दे आइछि सरकार दे छै 3 मास मध्ये रिपोर्ट दवा को आ जाइछि विचार विभाग तदंत रे कोन आसी आपन भाव छथि निश्चित देखंतु को परिस्थिति रे चाबी हजी छि किए चाबी दायित्व रे थिला काहे कि मन किभलि भाव रे ता हाथ रु चाबी गला ए कथा को नहीं कि आपन देखंतु जदि एडमिनिस्ट्रेशन जे सरकारी स्तर रे किछि तदंत दिया जाय थांता एई माने ही ओलटी के कहि थांते विरोधी दल कथा कोंतु अलगा साधारण लोक कथा प्रश्नवाची खडा हे कि रही थांता जे एठी प्रभावित होबार तदंत प्रभावित होबार चांसेस अधिक किंतु आज गोटे जुडिशियल सिस्टम ऊपर हमर विश्वास अछि हम जुडिशियल सिस्टम को दिया गला जे तदंत रे को माने को परिस्थिति रे चाबी हजी एफआईआर दिया जबा उचित नै सुनंतु निश्चित भाव रे आपण एटा आसिला परे निश्चित भाव रे तांको ऊपर कार्यानुष्ठान लिया जिवो कार्यानुष्ठान निया जीवन बोलने सरकार मध्य सेतिक चिंतित जो कथा कहउछने महाप्रभु जगन्नाथ प्रोफेसर मल्लिक जदि हाईकोर्ट निर्देश न दे थांते एवं जदि भितर रत्न भंडार रो जांच पै स्थिति जांच पै जो टीम जाइथला से माने जाई न थांते एवं तापर ये चाबी कथा तो आसी न थांदा उठि न थांदा देखो वर्तमान जो चाबी कथा पढु छी जोटा मैडम कहले मो से विषय आउट टिकेस स्पष्टीकरण देबी जे चाबी होची दीटा गोटे होची प्रथमे बाहर भंडार घर चाबी तापर भीतर भंडार घर चाबी बाहर भंडार घर खोलिला पर जाय भीतर भंडार घर खोलिबो बाहर भंडार घर रो तीनटा चाबी कथा समस्त जानंती
एक बहुत जगह लिखाई सतुलीप लिखाई और तीन टा चाबी अच्छी किंतु भीतर भंडार घर तीन टा चाबी कथा लिखा ना आज जहाँ अनेक खबर कागज बाहरी आपड़ देखते से खबर कागज से स्पष्ट भाव कह वर्तमान जे कलेक्टर अच्छा से गला एप्रिल रु वर्तमान भितर गला दुई मस धरिकी सी ए विषय तन तन कर खोजी कौन सी रेकर्ड से पाइले ना जो रेकर्ड रे भीतर भंडार घर चाबी आसिक ट्रेजरी भितर रहा कथ किए देला किए रिसीव कला कौनसी पेपर लेखा ना नो एविडेंस एट ऑल तेणु स्पष्ट भाव से चाबी हजी चाबी आम पाखे ना तेणु ये जो कथा आमर गोटे कथा कह कथा ये कथा तो एप्रिल चार रु जना पड़गला जोटा मैडम देखते जो मिनिट्स ऑफ दि परिचालना कमिटी से मिनिट्स लिखाई से मिनिट्स लिखाई सरकार तो कर्तृत्व चलती ना ये परिचालना कमिटी परिचालना कमिटी गोटे वरिष्ठ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस अफसर अच्छा सी कहीं से दिन ये कथ मिनिट्स लिखिले तार जो लीगल आस्पेक्ट तार जो क्रिमिनाल आस्पेक्ट से कथा को विचार को लेकर कहीं एक्शन ने आमर एटा होची प्रश्न से एक्शन टी से दिन ठारु ही नवा उचित थिला एला प्रथम कथा द्वितीय कथा हला बारंबार मुझे कथा कहूँ जो माने एक हेल्म्स ऑफ अफेयर्स भीतर अच्छा से माने निश्चित भाव या भीतर जदि किसी गोटे किसी एविडेन्स थी जो प्रमाण कर गोटे दिग्क सूचेब जे यही लोक चाबी रखी हाथ को एआर हाथ देकर चाबीटा आशा कर मानि बुलेट से नष्ट कर कि एडिशन कर क्रियानुष्ठान सांगे सांगे दरकार था एप्रिल आम से कथा कहू विलंबित हवा उचित ना तृतीय कथा गोटे कथा आम जानवा उचित जे जगन्नाथ होती जो कहले जगन्नाथ को राजनीति हवा उचित ना राजनीति नुहे जगन्नाथ भारतीय उत्कलीय राजनीति एक अंश जहाँकि गोपबंधु लिखी उत्कल नेतार ना प्रयोजन उत्कल नेता निजे नारायण जगन्नाथ होती उत्कल नेता नेता शब्द से जोड़ जगन्नाथ जिते राजा आपिलेन्द्र देव समय ठार् समस्ते आम हूँ चाकर मात्र दासानु दास सी हमें आम नेता सी हमें आम प्रभु सी हमें आम शासक तेणु ये गोटे एभली कथा एथिर कई राजनीति करूना जेहेतु ये कथाटा आमर धार्मिक भावना सहित जड़ित जेहेतु ये कथाटा आमर जो आध्यात्मिक जगत सहित जड़ित जेहेतु ये कथाटा ओडिशार चारि कोटी ओडिया लोकंकर जे होचंती आराध्य से होचंती शंकराचार्य तांक सहित जड़ित एवं गजपति महाराजा सहित जड़ित तेणु ये सब कथा गुडा जत बळे आसुची तेणु प्रत्येक लोक से राजनीति करू बा न करू एमती कि रास्ते जाऊवा लोक प्रश्न उठू ना तेणु से प्रश्नटा आम खाली रूप दौ आम भाषा दौ आम कि अधिका करूनु यादव राजनीति हवा उचित ठीक अच्छे प्रोफेसर मल्लिक गोटे छोटे ब्रेक नौ खुब शीघ्र फेर वितर्क को आगे बढ़ाऊ ब्रेक पर पुणि स्वागत वितर्क को आगे बढ़ाया मनोज बाबू सरकार विचार विभाग तदंत निर्देश दे तीन मास परे रिपोर्ट आसो किंतु लोकों मनरे अनेक प्रश्न बर्तन आसुची जे चाबी जेहेतु हजी जो भीतर रत्न भंडार कथ कह रत्न भंडार रत्न अच्छी ना ताको नहीं बर्तन सन्देह आसा स्वाभाविक से कहली जगन्नाथ प्रत्येक प्रपर्टी हिसाब ओडिशावासी पाखे पहुंचा उचित ओडिशावासी पाखे तार हिसाब दबा उचित सरकार जी दायित्व अच्छा किंतु सरकार कौटना कौटी टालटुल नीति कर सरकार निज दायित्व न नहीं सी ए टाइप रोटे फार्स चल जो कलेक्टर गोटे कथ कौन तो टेम्पल आडमिनिस्ट्रेटर आ गए क्या कौन के कौन पर हाइकोर्ट अर्डर थी आम जाइलु गल यदि चाबी नहीं जाइल कि ना कौ चाबी खोल बाहर भंडार भितर भंडार लोके कौन जाएस अच्छी लोक जाणी दरकार यस जगन्नाथ टोटाल प्रपर्टी एति की हिसाब आम पाइबा उचित किंतु से हिसाब सरकार दौ ना तार तीन टा चाबी थिला कि पांचटा चाबी थिला कि चाबी नथिला ता सहित साधारण लोक मतलब ने लोके चाहूचंती सरकार मंदिर जगन्नाथ मंदिर जहां रही प्रपर्टी ताकू लोके जाणीबा उचित ओडिशावासी जाणीबार हक एटा सरकार जणैबा उचित हाइकोर्ट से अर्डर देला सरकार गले प्रथम भंडार घर चाबी द्वितीय भंडार घर चाबी टर्च लगे खोजिलु अड़ू लगी झिटीपिटी बुलू था आर कि माने ना
ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଟୋଟାଲ କେତେ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ତ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଆହୁରି ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବିଚାର ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣା ସେ ରହସ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠେଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ବିଚାର ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କୋଉଠି ଏ ଇନକ୍ୱାରି କରେ ନାହିଁ, ସିଏ ସଜେସନ ଦେବ ସରକାରକୁ କଣ ପ୍ରିକସନ ନେବେ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆଉ କଣ କଲେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହବନି। ସିଏ ତ ଚୋର ଧରିବ ନା, ବିଚାର ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କୋଉଠି ଚୋର ଧରେ ନା, ଚୋର ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଖରେ କେସ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବ। ସେ କୋଉ ପୋଲିସ କରିବ, ଏ ତ ବିଚାର ଜଜ୍ କୋଉଠି ଯାଇକି ସେଠି ତ ଇନକ୍ୱାରି କରିବନି କୋଉଠି କିଏ ଚୋର କରିଛି, ଚାବି କିଏ ନେଇଯାଇଛି, ଚାବି କିଏ ନେଇନି। ତେଣୁ କରି ବିଚାର ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ସହିତ ଆର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବିଚାର ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ, ତା ସହିତ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ସରକାର ଲଞ୍ଚ କରିକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ ଯଦି ଚାବି ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହା ବିରୋଧରେ ହବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ଏ କଥା ତ କହିବି, ମୋତେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମନୋଜ ବାବୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ସରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି କରିଥିଲେ, ଯାହାର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେତେବେଳର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ, ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ବାହାର ଭଣ୍ଡାର। ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ତ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସୁନା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସେ, ତେଣୁ ତାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆପଣ 13/5/78ରୁ 23/7/78 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା ପୁରା, ତା ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସବୁର ଲିଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ଲେଟ୍ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସେତେବେଳେ ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତେଣୁ କଣ କଣ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ଅଛି ସେ ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଆପଣ ଏବେ ତ ତାଲାଇ ଖୋଲା ହେଇନି, କଣ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲାମତ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି 78ର ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମର ଦରକାର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ତ କରାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଏବେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ମତାମତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଆର କଣ ସମ୍ପର୍କ? ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ତିନି ଥର ରିପିଟ କଲେ, ଆପଣ ତିନି ଥର ରିପିଟ କଲେ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆମର ଭରସା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆମର ଭରସା ଅଛି ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଣ ସମ୍ପର୍କ? ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଣ ସମ୍ପର୍କ? ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଆପଣ କମିଶନ ବସାଇଥିଲେ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଆପଣ କମିଶନ ବସାଇଥିଲେ, କଣ କମିଶନ ଧରିଥିଲା? ଆମ କହିବା କଥା ଆକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ରିପୋର୍ଟ ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ସେଠି କାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଏଫଆଇଆର କରିବାକୁ ପଡିଲେ ଏଫଆଇଆର କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହାପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ହବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ପ୍ରଫେସର ମଲ୍ଲିକ ଯେ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉ କଥା ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ 3 ମାସ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ସୁପାରିଶ କରାଯିବ ସେ ହିସାବରେ ସରକାର ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯୋଉ କଥା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆଶା ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଯେ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି, କିଛି ଦୈତାପତି କହିଲେଣି ଯେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉ, ଗଜପତି ଚାବି ରଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତ ଆଗକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ, ଆଗରୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଯେହେତୁ ଆମର ଭାବାବେଗ ଜଡ଼ିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁଠେଇ ଉଠିବ, ସମସ୍ତେ ଉଠେଇବେ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଠେଇବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେହେତୁ ଚାବି ମିଳୁନି, ଚାବିକୁ ନେଇକରି ହୁଏତ କିଛି କେଳେଙ୍କାରୀ ହେଇପାରିଥାଏ, କିଛି ଅଘଟଣ ହେଇପାରିଥାଏ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ମତ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ, ଇଏ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ହେବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ ଆଶଙ୍କା ଓ ଆଶା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ 3 ବର୍ଷ ଧରିକି 75-78 ଭିତରେ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ଯୋଉ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେଠି ସବୁ ଥିଲା, ତାର ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେସ ସମାଜର ସେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ ରିପୋର୍ଟଟିଏ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ଅଛି, ତେଣୁ ତାର କପି ଯେହେତୁ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେହେତୁ ଚାବି ହଜିଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ଅଛି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଜଣାପଡୁଛି ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶବିଶେଷ। ଯଦି ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶବିଶେଷ ହୁଏ,
তার ইমিডিয়েট রিমেডিজ হচ্ছে গোটে এফআইআর দেওয়া এবং যে তা সহ জড়িত তাঙ্ক বিরুদ্ধে কার্যানুষ্ঠান নেওয়া এবং তা ভিতরে গোটে গোটে হাই পাওয়ার বা গোটে সেইভাবে এসআইটি ভাগ গোটে বড় তদন্ত করুথিবা সিবিআই তদন্তর আবশ্যক নাই শুনন্তু সে কথা সরকার নিষ্পত্তি নেবে সিবিআই মধ্যে সম্ভাবনা আছে যে সবগুড়াক সেটা গোটা করিয়া কথা তাহা নকরি যেহেতু এটা ন্যায়িক তদন্ত দেলে সেইটি বর্তমান প্রশ্ন উঠুছি যে ই সরকারক অমলরে 22টি ন্যায়িক তদন্ত বসিছি এ ন্যায়িক তদন্ত সেই সেই নাগার্জুন বেশকু নেকি যে তদন্ত কমিটি হইতিলা সে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বর্তমান কোয়াড়া গলা ম্যাডাম যে কথাটি উঠাইলে যে সরকার গোটে করিছন্তি ব্যবস্থা যে তাদেরকে সংস্কার আনিয়া পাই গোটে কমিটি বসাইলে সংস্কার করিয়া পাই গোটে কমিশন বসাইলা এই যে সংস্কার কমিশন বসিলা আপনাকে জানা থিব সে সংস্কার কমিশন ইতিমধ্যে গোটে ইন্টারিম রিপোর্ট দেই সারিছন্তি এবং আউ গোটে সেকেন্ডটা মধ্যে আসিলা আর দ্বিতীয় তৃতীয় কথাটি হলা দুইটা রিপোর্ট আসিলা তৃতীয় কথাটি হলা সি তার কার্যকাল বড়িছে কি নাই এপর্যন্ত আমি মধ্যে জানিপারু নাও কারণ সার্বজনীক হয়ে নাই তার কার্যকাল বড়িলা কি না আর তৃতীয় কথা হলো ই চতুর্থ কথা হলো যদি রিপোর্ট অছি সে রিপোর্টরে সরকার কেবে কার্যানুষ্ঠান নেবে কারণ এবে ঘটনা ঘটিলা আপন দেখিবে যে কিছি বাহারু আসিথিবা কিছি ভক্ত তাঙ্ক উপরে মধ্য মাড় মারা গলা তেণু এই যে মাড় মরিবা প্রক্রিয়া বিভিন্ন মন্দির ভিতরে থিবা সেবায়ত মানক দ্বারা ই প্রক্রিয়াটি চালিছে ঠিক আছে প্রফেসর মল্লিক সময় কম আছে মুটে সংক্ষেপে অতি সংক্ষেপে মনোজ বাবু এবং ম্যাডাম মত নেবি মনোজ বাবু আগুক আপনি কন দেখুছেন সংক্ষেপে যাহা চালিছে সেয়া হব দেখন্তু 78 মসিয়া কথা ষড়যন্ত্র দেখুছেন কিছু হ্যাঁ ষড়যন্ত্র থাই পারে ষড়যন্ত্র যদি ন থাই পারে তাহলে সরকার কোন পাই 2 মাস হেলা বসছেন বর্তমান সুদ্ধা ক্রিমিনাল কেস লজ করনা জগন্নাথকর জমি যেভাবে ভাবে হড়প হয়েছে ঠিক সেইভাবে জগন্নাথকর এই যে ধন সম্পত্তি আছে সে হড়প ন হইতো তা কে ঠিক আছে মনোজ বাবু 78 পরে আজ যাঙ্গ হিসাব করবে ঠিক আছে সময় কমুছি ম্যাডাম কর শেষ ম্যাডাম অতি সংক্ষেপ করে যে আগুক আপন কোন যাহা হবো ভালো হবো বলে আপন ভাবুছন্তি নাই নিশ্চিত ভাবরে মু আপনকু গোটে কথা কই পারবি যে রাজ্য সরকার সেতিকি আকো গুরুত্ব সহকারে নেইচন্তি তেনু আগামী দিনরে আমি ন্যায়িক ব্যবস্থা উপরে যেহেতু আমি ভরসা করিছো তেনু আমকু 3 মাস অপেক্ষা করে পড়ে 3 মাস ভিতরে নিশ্চিত ভাবরে আপন মধ্যে 3 মাস অপেক্ষা করে পড়ে আপন যে কথা মনোজ বাবু অপেক্ষা করে আমি সমস্ত ওড়িশা বাসী ভয় 3 মাস সেই ন্যায়িক তদন্ত মধ্যে গোটে মাস ঠিক আছে ঠিক আছে আ অপেক্ষা করে 3 মাস 3 মাস অপেক্ষা করে ন্যায়িক তদন্ত বা বিচার বিভাগ তদন্তরে কোন রিপোর্ট আসুচি কোন রিপোর্ট আসুচি আসিলা পরে সরকার পরবর্তী কার্যপন্থা কোণ হচ্ছে তারপর নিশ্চিত ভাবে সমস্ত নজর হব যেহেতু এটা জগন্নাথঙ্ক রত্নভণ্ডার কথা আসুচি কোটি কোটি ওড়িয়াঙ্ক ভাবাবেগর কথা আসুচি তেমন সমস্ত অপেক্ষা করা পড়ে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপনার আসলে আপনার মত দিলে আমার যে প্রশ্ন লা ন্যায়িক তদন্ত রত্নভণ্ডার চাবি রহস্য উন্মোচন করে কি 36% মত হ রহস্য উন্মোচন হয়ে পড়ে 50% মত হয়ে পড়ে না 14% স্পষ্ট মত রাখি না 9 প্রাইম টাইম করে শেষ করছি।